साथियों, सरकार ने हमेशा किसानों के हित में हर जरूरी कदम उठाए हैं। अब आप देखिए, बजट में रिन्यूएबल एनर्जी का खर्चा पड़ेगा, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण खर्चा है किसानों के लिए सोलर पंप। अगर सोलर पंप हम सबसे ज्यादा किसानों के पहुंच पहुंचाएंगे, सूर्य शक्ति से चलने वाला पंप, किसानों को रात को जागना नहीं पड़ेगा, दिन में ही अपने खेती कर लेगा, पानी पहुंचा देगा, शाम को परिवार के साथ अपना समय बिता पाएगा और उसका खर्च भी कम हो जाएगा। इसके लिए भी सोलर पंप का बहुत बड़ा बजट हमारे किसानों तक हम पहुंचा रहे हैं। साथियों, पिछले बजट में फर्टिलाइजर की सब्सिडी 80,000 करोड़ रुपए से भी कम रखी गई थी, 79,000 करोड़। लेकिन कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में, सप्लाई चेन में गड़बड़ होने के कारण बहुत बड़ा उछाल आया। अब जहां हम करीब 80,000 करोड़ का प्रावधान किया था, हमें 60,000 करोड़ और लगाने पड़े, करीब करीब 1,40,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर के लिए, जो पहले कभी नहीं करना पड़ा था, इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजर का दाम बढ़ा है, लेकिन वो किसान पर बोझ न बने इसलिए सरकार ने उसको झेला, ताकि किसानों की लागत न बढ़े, उन पर अतिरिक्त बोझ न आए। और इस बार इस सब्सिडी को 79,000 से बढ़ा करके 1,05,000 करोड़ रुपए किया गया है, ताकि मेरे किसान भाइयों बहनों को फर्टिलाइजर के लिए संकट का सामना न करना पड़े। और आने वाले कुछ दिनों में हम एक नई योजना लेकर के आ रहे हैं, नैनो फर्टिलाइजर, किसानों की बहुत बड़ी मदद करने वाला, एक बहुत बड़ा अहम, हमारे वैज्ञानिकों की मदद से हमने अनुसंधान किया है, जो इस बजट में भी इसका सीधा उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उस दिशा में हम काम करने वाले हैं। इसी प्रकार एमएसपी को लेकर भी अनेक प्रकार की बातें फैलाई गई है, लेकिन हमारी सरकार ने बीते सालों में एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की है। सिर्फ धान की ही बात करें, धान की, जो सीधे सीधे छोटे किसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और छोटे किसान की खेती जेब के लिए नहीं, जीवन के लिए होती है। सिर्फ धान को ही अगर बात करें, तो इसी सीजन में किसानों को एमएसपी के रूप में 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक मिलने का अनुमान है। बजट में प्रावधान किया गया है कि 2,37,000 करोड़ रुपए का एमएसपी किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इस साल के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 68,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, 68,000 करोड़ रुपया सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा किसान के जेब में पहुंचने वाला है। और ये राशि भी पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा है। इसका लाभ भी देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को होगा, और छोटे किसान के लिए तो ये रकम बहुत बड़ी होती है, उसको खेती में कुछ करने के लिए हिम्मत देती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र को, हमारे किसानों को बेहतर सड़कों का भी विशेष लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बजट पिछले वर्ष की तुलना में 36% बढ़ाया गया है। वहीं रेलवे भी छोटे किसानों की मदद के लिए विशेष प्रावधान करने वाली है।